नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के इस अहम बैठक में इस बात का संकेत मिला है। दरअसल आरसीपी सिंह इस बैठक में वर्चुअल मोड से दिल्ली से ही जुड़े थे। इस बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कई बार उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह बिहार दौरे पर निकले, उनकी चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने उनके काम को सराहा। नीतीश कुमार की तरफ से कुशवाहा के लिए निकले यह शब्द इस बात का संकेत देता है कि आगे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्र में आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार जदयू के अंदर खाने से यह खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह की जगह उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद दिल्ली से आरसीपी सिंह से भी आज मीडिया ने यही सवाल पूछा। आरसीपी सिंह ने कहा, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वह बखूबी निभा रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल रहा हूं। आरसीपी सिंह ने आगे कहा कि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद वह संगठन का काम देखते रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी फैसला लेती है तो इस फैसले के साथ है। जी हाँ, अपने पार्टी के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। आरसीपी सिंह का यह बयान साफ कर रहा है, साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में कुशवाहा की ताजपोशी हो जाएगी। जी हाँ, आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद संगठन का काम देखते रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी फैसला लेती है किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी के इस फैसले के साथ मैं हूँ। उन्होंने आज संकेत दे दिया है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी में आए तो उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका कोई इतिहास पार्टी में नहीं मिला है। आरसीपी सिंह ने कहा है, वह संगठन के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, भगवान के आशीर्वाद से वह जिम्मेदारी बखूबी निभाता रहूंगा। देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक ये नहीं थी, ये हमारे जो पदाधिकारी बने हैं पहली बार उनकी बैठक थी, और हम लोगों ने आज जो अपने नेता आदित्य नीतीश बाबू का सुना और हमारे सब वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उसके आधार पर पार्टी बूथ स्तर पर घर घर तक जा कर के अपने संगठन को मजबूत करेगी। और हमारे नेता ने बिहार में जितने भी काम किए उनसे लोगों को अवगत कराया। सर, आप जब मंत्री बने केंद्र में, उसके बाद से कहा जा रहा है सर कि आपके नेता नीतीश कुमार और आपके बीच में वो मधुर संबंध खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक प्रत्यक्ष रूप से आपको बधाई तक नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर सौरभ। हाँ, आप शुरू दिन से यही सवाल पूछ रहे हैं। आपको सौरभ जी, मैं बता दूँ, आप संबंध के बारे में अध्ययन करिए, और हमारे नेता के बीच संबंध मधुर है, मधुरतम है, उसके आगे कुछ होता नहीं है, इस पर आप लोग रिसर्च मत करिए। हमारे उनके संबंध आज के नहीं, 23 वर्षों का संबंध। और ज़रा मुझे बता दीजिए कि जो संबंध होता है आपस में, भाई भाई का संबंध होता है, पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, कोई परिभाषा आज तक दिया गया है क्या? हम भी सोशल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए इस पर आप लोग समय मत बर्बाद करें। हमारे उनके संबंध और भी प्रगाढ़ हुए और आगे और भी होंगे, चूंकि हमारे वो नेता हैं। आप जरा समझिए इस बात को। मैं यहाँ एक आईएएस ऑफिसर के रूप में आया था, मैं उनका पीएस था, मैं PS2 मिनिस्टर था, ये तो उनके सानिध्य में ही ना, मेरा जो उसके ऊपर उपसर्ग लगा हुआ था PS खत्म हो गया, और आज मैं मंत्री हूँ, और उस पर भी लोग रिसर्च करेंगे तो देखिए पन्ने लिख डालेंगे, सोशल मीडिया में कई दिन चलाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे वो नेता है, हमारा एक संबंध है, और आज का नहीं है, और भी वो संबंध मजबूत हुआ है और होगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर लगातार बातचीत चल रही, क्या इस बैठक में बातचीत में कुछ? देखिए, आप लोग अपना एजेंडा पहले ही हमारे पास रखते हैं, समझे कि नहीं? ये सब जो बातें होती हैं ना, वो आपके सामने मीडिया में नहीं होती। जब ये इस तरह की बातें होगी तो आप जानिए। लेकिन समस्या क्या है कि आप लोग जो है कयास लगाते रहते हैं, पार्टी का सेंसेक्स को दिखाते रहते हैं कि कहाँ पहुँचा। देखिए, आज की तारीख में आज जो बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था। आदरणीय उपेंद्र जी भी थे, सब लोग थे, सब लोग का क्या कहा कि हमारे पार्टी में एकमात्र और सर्वमान्य नेता नीतीश बाबू हैं और उनकी सोच के आधार पर जो हमको बिहार में काम करना है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है, उसमें संगठन को जो काम करना है उसमें सब लोग एकजुट होकर करें। सर, मैं इसी सवाल को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। एक कुछ लोग ये कह रहे हैं, सिंपल सवाल है, आपका सही आंसर देंगे कि मंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति एक पद के तरफ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप संगठन को शायद ज़्यादा समय न दें, उस क्या आप चाहेंगे अलग कोई अध्यक्ष बने या आप सक्षम है? देखिए, मैं दो बात कह दूँ आपको, ये ऊपर वाले की कृपा है और मैंने जो भी काम किया है आज तक, मेरा 40 सालों का पब्लिक लाइफ है, पूरी मजबूती से और पूरी दृढ़ता से किया है और जिसको भी काम, जिस काम को भी मैंने लिया है उसको बखूबी निभाया। मैं सक्षम हूँ किसी भी दायित्व को निर्वहन करने में ऊपर वाले की दया से। लेकिन देखिए, आप अगर आप देखेंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कुछ ही दिनों में, उसके पहले मैं आपको पता है ना कि मैं नेता सदन था राज्यसभा में। कुछ ही दिनों में मैंने वहाँ हमारे जो आदरणीय सहयोगी रामनाथ टैगोर जी, उनको हमने बनाया। कितना दिन लगा था? उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष में आज भी मैं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आदरणीय उपेंद्र जी जब आए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका आपको इतिहास नहीं मिलेगा। मैं मंत्री बना हूँ 7 तारीख, समझे कि नहीं? और मैं आपको बता दूँ कि मैं मंत्री का काम भी मजबूती से करूँगा, संगठन का भी काम मजबूती से करूँगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं ये जिम्मेवारी अपने किसी मजबूत साथी को भी दूँगा। ठीक है सर, एक सवाल, आपने बड़े शानदार और शालीन भाषा में सब कुछ कह दिया, खंडन भी कर दिया सब चीज़ का। 2019 का फैसला अलग था, 2021 का फैसला अलग था, ये तय माना जा रहा है। उस वक्त भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी, इस वक्त भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन आपके पार्टी से जो बयान है वो ये कि उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे, उन्होंने ये फैसला किया था, इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, यानी कि इस फैसले पे सिर्फ आपका ही एक मत है, पार्टी की तरफ से आपने एक स्वर में किसी का भी सलाह मशवरा लिया है, कि पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि पार्टी कितना ज्यादा आपके साथ थी इस फैसले को लेने के लिए, क्योंकि सारा का सारा कला हो, चाहे कितना आपको विश्लेषण देना पड़ रहा, तो इसी एक सवाल पे। मुझे कोई विश्लेषण नहीं देना पड़ रहा है, ये आप लोगों का एजेंडा है, समझ गए? नहीं, और ये निर्णय पार्टी का है, ये आप जरा जान लीजिए। और जहाँ तक 2019 और 2022 की बात, 21 की बात बोल रहे हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, खास करके आपके चैनल, क्योंकि आपकी चैनल की जो रुचि कुछ ज़्यादा ही रहती है। देखिए, इस बात को जरा समझिए, समझने की कोशिश करिए। केंद्र में आज सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा MP है, इसका जरा ध्यान में रखिए आप। और आज हम उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं। बिहार में जरा देख लीजिए, वहाँ भी हमारी नीक सरकार है, हमारे 4 दल हैं, सब लोग वहाँ सम्मिलित हैं। अगर JDU यहाँ सम्मिलित नहीं होती तो आप ही लोग चलाते हैं चैनल, आप ही के यहाँ सबसे पहले चलेगा कि JDU क्यों बाहर है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है, उनकी उदारता है कि मजबूत यहाँ उनका, समझिए उनकी ताकत है, फिर भी जनता दल यू को उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया, इसलिए उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और जब मैं अब यहाँ हूँ तो जनता दल यू का प्रतिनिधि यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो हम लोग का लक्ष्य क्या है? अपने देश को मजबूत बनाना, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना और बिहार को मजबूत करना, ये सब होगा। जी हाँ, तो RCP सिंह ने इशारों ही इशारों में संकेत दे दिए हैं, नाम नहीं लिया है लेकिन जिक्र जरूर किया है उपेंद्र कुशवाहा का। अब देखने वाली बात होगी कि RCP सिंह
अगर इस्तीफा देते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को उनके जगह पर बिठाया जाएगा या नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के नामों को लेकर के लगातार कयास लग रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार भी आज खूब तारीफ करते नजर आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।